जनाब खेड़ी छेड़ी पहनी हुई है और जनाब फुल शलवार कमीज पहन के डैशिंग हुए हैं। जिस स्पीड ना मैं जा रहा ना, मैंने खुर पैना लाना पैना था भाई, पैराशूट खराब हो गया। हूं तो पक्का पटाका ही वहीना मेरा। हूँ एक ऐसी लोकेशन के ऊपर जहाँ पर मुझे पता लगा यहाँ पर एक बंदा है। मैं निकल फट गई। क्या बोला तूने? एड्डे तो अपने होना ना ना दांत। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम मुफाहिद निसार और आप देख रहे हैं मिस्ट्री डोनट के ऊपर डेली व्लॉग। तो यार गर्मी से हो चुका है हमारा बुरा हाल, ये देख सकते हैं अभी भी धूप कितनी है पीछे। तो जनाब के ना मैं गर्मी के अंदर ना कुछ करने का पीछे के ना मैं दिल ही नहीं करता यार, व्लॉग कैमरा क्या व्लॉग पूरा क्या बनाना है, कैमरा उठाने का दिल नहीं करता है। मैंने सोचा यार नहीं व्लॉग तो बनानी है तो फिर ना बना लेते हैं। इतने ज़्यादा कबूतर पता नहीं कहाँ से आ गए। वो देखो इतनी गर्मी है यार, और इन्हें उड़ा देते हैं बेवकूफ लोग। अभी मैं उठ चूंगा। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद फिर आपसे मिलते हैं। क्या कर रहे हो? किसका लगा? अच्छा पाकिस्तान और बांग्लादेश का। ये जनाब एशिया कप चल रहे हैं और हम जनाब का मैं डेली मैच देख रहे हैं। मुझे तो पता नहीं ये रिपोर्ट देता है क्योंकि ये मेरे से भी बड़ा क्रिकेट लवर है। तो जनाब हारिफ साहब आ चुके हैं मेरे पास, काफ़ी खुश हैं क्योंकि आज इन्होंने जनाब खेड़ी छेड़ी पहनी हुई है और जनाब फुल शलवार कमीज पहन के डैशिंग हुए हैं। किधर जाना है? किधर? अच्छा जी, अच्छा एक मिनट में उठाता हूँ, एक मिनट को ओ टेड़ी। चलो जी इसको नानों का छोड़ने जा रहा हूँ मैं इसकी, तो उसके बाद मिलते हैं। आ जाओ चलो स्टार्ट करो भाई, करो स्टार्ट, करो चलाओ चलाओ भाई। अरे तीतू तीतू इधर ना, ये ठूंगा मारने आएगा। लेकिन आप बांगे देने लग गया, चलो बांग दे के दिखाओ। अभी दे रहा था बांगे, शायद दे। अच्छा जी फिलहाल वो बांगे को नहीं दे रहा है, वो पंजाबी कहते हैं ना ओपरा ओपरा फील कर रहा है, मैं वेख के ना प्याज पता ना कि मैं बांगा को नहीं पर दें। तो अभी क्या मैं चल, ओए आ गई है ना बात, अब देखते हैं इसको दोबारा देता है कि नहीं। ना दूर से ही बना रहा हूँ वीडियो, देखते हैं आप देता बांग के नहीं। चल तड़ी है एट लास्ट जी, काफ़ी कोशिश के बाद मैंने रिकॉर्ड कर ही ली है। तो यार मेरा दिल बस बस कर रहा। अच्छा जी मेरे दोस्तों ने काफ़ी शोर मचाया होता है कि पबजी खेलो यार, स्ट्रीमिंग पे आओ स्ट्रीमिंग पे आओ। तो यार मैं बता रहा भी है आपको कि अभी सेटअप रेडी हो रहा है, सेटअप का मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा निज़ाम लग ले तो फिर इंशाल्लाह सेटअप भी करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको मैं अपनी गेम दिखाता हूँ भाई पबजी की। अभी नया नया अकाउंट बनाया भाई, कपड़े छपड़े भी नहीं आए। तो लो जी पबजी लवर ढाडे वास्ते आ गया जो डार विच मैदान दे डार और निकर सट्टी है, तंज लग रहा है कि ना पबजी घट तो कबड्डी का मुकाबला ज्यादा हो जी वाजे लिया। अच्छा यार मैं खुद थोड़ा सा फनी वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए कि ना मैं माइंड शाइंड नहीं करना। लो जी आप हो गए जो परदेसी तो चले तो जहाज च कम, मैनू बाबा जी खतरनाक लग रहा, बाकी गोला हैर करे हाइट भी बहुत ज्यादा लग रही है मैनू, तो वेखो हूँ अगे की होंगे। ओ पा जी ये रोस्टर ने तो कम आ छड़ा जो थले, मैं जिस स्पीड ना मैं जा रहा ना मैं खुर पैना लाना पैना था, या फिर क्रेन मंगा के जमीन की गहराइया जो तुम कड़ना पैना। लो जी नवा सीन लग गया जी, पैराशूट ही नहीं खुल रहा भाई, पैराशूट खराब हो गया। हूं तो पक्का पटाका ही वजना मेरा, वो नहीं जी नहीं सुनी गई जी मेरी, पैराशूट ओपन हो गया शुक्र अलहमदुल्ला। ओ जालमो कितने लटका छड़िया जे, मैं कि मन के पबजी स्टार्ट कर ली। खैर जी असं राम स्कूल आ चुके हैं जमीन के उत्ते, तो हूँ पस्तौल शस्तौल वेखना जिदा बंदे ठोकने। ओहो चुकी जा चुकी जा चुकी चल, वो बस कर बस। हमने तुमसे दूरी अख्तियार कर ली। बाबा जी घोड़े हार नस नस के बस हो गई है, मैं ते पिया जे ऐ यारा बंदा ही नहीं लभ रहा है, मारा किनू ना कोई मनु मार रहा है ना कोई मनु नजर आ रहा है जिन्हू मैं मारा, मेरी समझू तू बाहर है मैं केड़ी दुनिया च आ गया यार। लो जी दोबारा भज भज के मैं तो गया जे थक, इतने तो ना बंदा जे तो ना बंदरी जात, वो गड्डी नजर आई है तो ना चेक कर लें कोई है तो नहीं, चलने भाजी राम स्कूल ना जाके गड्डी चलाने एक बार फिर तो थली मैं कर ला। नहीं जी कोई भी नहीं है, चलो चलिए जनाब कि मैं गड्डी भजाने।
यार इस गड्डी का इतना मजा नहीं आया, कोई ना बड़ी गड्डी या कोई मजेदार जी गड्डी ढूंढने जाके, क्योंकि बंदा तो सानू लभ नहीं रहा। लो जी अब हम एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमें इतना बड़ी गाड़ी नजर आ चुकी है, तो चलते हैं बड़ी गाड़ी के पास और जाके इसे ड्राइव करते हैं। ये गाड़ी यार बहुत मजे की लग रही है, इसकी स्पीड भी ज्यादा है और हाइट में भी काफी ज्यादा ये ऊंची है। अच्छा जी, तो गाड़ी चलाते चलाते मैं पहुंच चुका हूँ एक ऐसी लोकेशन के ऊपर जहाँ पर मुझे पता लगा यहाँ पर एक बंदा है, लेकिन आगे देखें मेरे साथ क्या हुआ। पूरी लोकेशन पर जिस समय मैं पहुंचा हूँ जनाब, उसने आगे से मुझे फायर किया है। जब मैं फायर करके उसे किल करने लगा तो मेरे साथ वाले ने जनाब उसे किल करके अपना किल बढ़ा लिया। अच्छा जी, तो ओके ना मैम, देखिए आपने फिर बकवास गेम, कितनी बकवास गेम खेल लिया मैंने। अच्छा कुदरती तौर पर ना यार बंदे नजर ही नहीं आए, तो फिर मैं मारता किसे, दो बंदों ने अटैक किया मेरे को। तक मैं उनके तरफ पहुंचा तो जनाब मेरे टीममेट ने उसे फड़का दिया था। तो बाकी यार अगर मैं मैच हम खेल रहे थे जो सब पाकिस्तान और बांग्लादेश का, वो जनाब उसमें पाकिस्तान ने ऑल आउट कर दिया 194 के ऊपर। हाँ ये देख रहा था, 193 पे ऑल आउट है, क्या नहीं पता था। ये जनाब इस तरह की चपले मारता रहता है। ₹200 का ओवर एक्टिंग के वजह से छोड़ दो यार, इसमें लाइटर है। मैच देखने के बाद भूख लग गई थी तो खाने के अंदर हम चपली कबाब लेने चले गए बाजार। खाना खाने के बाद मैं बार्बर के पास गया तो बार्बर की दुकान ही बंद थी यार। फिर मैंने सोचा चलो सुबह ही चले जाएंगे, जिस टाइम फिर सुबह हुई तो फिर मैं पहुंच गया बार्बर के पास। अच्छा ठीक है ना, मैं बाल छल कटवा के सेटिंग करवाई है हाली, क्योंकि अभी बड़े करने हैं और हाथ साथ भी करवा लिया। गया जी बार्बर साहब, एडे तो अपने होने ना दस पै के कह दिए तू फेर लैना। नहीं अभी ये यार सेटिंग वगैरह की है बालों की और हाथ वगैरह की है, तो भाई बोल रहे हैं कि बाहर गए। इतना सुकून, शीशे इसलिए लगवाए मैंने आगे पीछे नजर रखने के लिए, कैमरे की जरूरत नहीं आने अखा ही कैमरा ने। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।